मेहनत करके अपनी पुत्र खानी आ, कलाल दी रोटी खानी आ। पुत्र लोक भावे करदे भी रवन गल्लां। आ बर्फ जिहड़ी है साइकिल ते भी किसे टाइम दे के आंदे हो, ते कोई परेशानी दा सामना नहीं करना पैंदा। इमरान खान नूं तुसीं की कहना चाहोगे? असीं उहदे वास्ते मर गए, साडे वास्ते मर गया। मेरा यतीम बच्चा किसे एक रुपया भी नहीं दिता। के हाथ आप दिखाएं, जरा हाथ दिखाइएगा, ये इनके माँ जी के हाथ दिखाएं कि ये मेहनत करती हैं। और इमरान खान नूं की कहना चाहोगे जिहड़े अवाना च बैठे ने? असीं उहना उहदी बहन नूं और मुड़ के आया चाची ने आखना था। नाज़रीन, आज हम एक ऐसी खातून के पास तशरीफ लाए हैं जो अरसा दराज से अपना काम खुद करती हैं, मेहनत करती हैं, कमाती हैं और फिर जाके अपने बच्चों की देखभाल करती हैं। इनका नाम है गफूरा बीबी। इनसे बात करेंगे कि ये किस तरह से अपना निज़ाम चलाती हैं और किन किन मुश्किलात का इनको सामना रहता है। आए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम माँ जी। ये किधर ना तुसीं ये सिस्टम सारा चलाया है? 3 साल हो गए। ते किस तरह घर दा निजाम चल रहा है? बस मेरा पुत्र हुण माड़ियां घरां दे विच यतीम नूं खवाणा ते। अच्छा, पता चलिया है कि तुसीं जिहड़ा है डिफरेंट जगह ते जाके, मुख्तलिफ जगह ते जाके ऐ बर्फ जिहड़ी है साइकिल ते भी किसे टाइम दे के आंदे हो, ते कोई परेशानी दा सामना नहीं करना पैंदा कि लोग तुहानूं वेख रहे ने? कोई इस तरह दी तुहाडे ज़ेहन च कदी ना कोई गल आई होगी? कोई नहीं पुत्र, मुड़ हूँ अल्लाह सोना तो मालक है, मदद करने वाला मेरा सोना मालक है। निक्का जा बच्चा यतीम है, कौन खुआवे? बस मेरा पुत्र घर बार नहीं रहा, दुकान है। तुसी 3 साल तो जिहड़ा चाय बना रहे हो, ते लोग मर्द हजरात ज्यादातर आंदे ने, उन्हां नूं सर्व ही करदे हो, कोई आर महसूस कीती होवे कदी? आंढ गुआंढ ही मेरा पुत्र करदे आंदे वी इत्थे खांदी क्यों है, पुत्र नूं पालदी क्यों है, इत्थे रहिंदे क्यों ने, बस मेरा पुत्र आड गुआड दुख करता है। जी तो नाजरीन, गफूरा बीबी जो है वो एक अरसा दराज से लोगों को चाय पिला रही हैं, बर्फ़ को सर्व कर रही हैं। अक्सर उकात ऐसा भी होता है कि वो साइकिल पे जाके डिफरेंट जगहों पे, डिफरेंट शॉप्स पे जाके लोगों को बर्फ़ दे के आती हैं और वापस आके फिर अपने काम में मसरूफ हो जाती हैं, चाय बनाती हैं, मेहनत करती हैं। आगे मेरी पहले उनसे बात हुई है, उन्होंने यही कहा कि मेहनत में जो है वो कोई हर्ज नहीं है। तो जब हमने उनसे पूछा कि क्या कुछ लोग जो है वो बातें करते हैं, क्योंकि औरत है तो ऐसे काम करना इनके लिए इस मुआशरे में बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो उन्होंने बड़ी दीदा दिलेरी से ये कहा कि किसी किस्म की परेशानी नहीं है, हम भी मर्दों की तरह मर्दों के शाना बिशाना काम करती हैं, अपने बच्चों को पालना है, मेहनत करनी है, ये काम बहुत ज़रूरी है। इसी तरह इनकी ये शॉप है, यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं डेली बेसिस पे इनसे चाय पीने के लिए आते हैं। उनसे पूछते हैं कि ये डेली यहाँ से चाय पीते हैं तो किस तरह का टेस्ट है इनकी चाय का और क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कितों तो तुसी इत्थे आ रहे हो चाय पी रहे हो इन्हां को? अही 4-5 साल हो गए ना इन्हां को चाय पी रहे। तो कोई इस तरह का बहुत से वाकया तो हो जाते हैं, तुहानू नज़र आया हो कोई लोग इन्हां नू गल्लां करदे होण कोई इस तरह की वजह हुई हो? और सर जी बड़े वेखी देने, बड़िया समझाई दा भी है कि वह बेवा औरत हैगी है, बच्चा वह छोटा है तो उन्हें अपना बच्चा पालन दो, जुगतबाजी ना करो। बड़िया बंद समझाई दा जे रास्ते चाहते हैं जाने को टक्कर पाए तो वो सिर पर पई उन्हें मजबूरी अपनी कटनी उन्होंने कटन दे। अच्छा, जी इमरान खान ने मदद की है वो तुम्हें कुछ मिले वो कोई नहीं? नहीं पुत्र। वो क्यों नहीं तुम्हें मिला? तुम अप्लाई नहीं किया? सारे पैसे डिजन मैनू नहीं डिजे जी। नाज़रीन जरा इनके हाथ आप दिखाएं, जरा हाथ दिखाइएगा, ये इनके माँ जी के हाथ दिखाएं कि ये मेहनत करती हैं और ये देखें इनके क्या बना हुआ है हाथों का। तो गवर्नमेंट को चाहिए, इमरान खान साहब को चाहिए, या जो लोग साहिब हैसियत हैं उनको चाहिए कि ऐसे लोगों की खिदमत करें, इनके पास तशरीफ लाएं। ये चाय का काम करती हैं, साथ बर्फ़ बेचती हैं, तो अगर साहिब हैसियत लोग हैं वो आकर यहाँ पर इनकी खिदमत करेंगे तो शायद यही गुजर बसर जो है इस काम की बजाय अपने घर बैठ के भी कर सकती हैं। तो माँ जी, इमरान खान नूं तुसी की कहना चाहोगे? असीं उहदे वास्ते मर गए, साडे वास्ते मर गया। मेरा यतीम बच्चा किसे एक रुपया भी नहीं दिता। डेली बेसिस पे आपको रोजाना जिहड़े ने ओह तुहानूं किन्ने के पैसे बच जांदे ने? 100-150 बच गया, कोई 50 बच गया, इसे तरह मेरा पुत्र करके ते ओह बच्चा यतीम खा लैंदा। ये 100 और 200 के करीब जो है इनकी इनकम है, इससे ज़्यादा इनकी इनकम नहीं है। तो ये हालात हैं हमारे पाकिस्तान के गरीब लोगों के। यतीम बच्चा माड़ा हालात है इनके घर, मेरा पुत्र एक ढारा जहा बने आया, किसी के घर मेरा पुत्र रहने आए
ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਇਹਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਯਤੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਜੀ। ਤੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹਮਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਕੇ ਜਹਾਂ ਪਰ ਜੋ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਪਿਸਤੇ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਉੱਪਰ ਜਾਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਨ ਗਰੀਬੋਂ ਕਾ ਅਗਰ ਅਮੀਰ ਲੋਕੋ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਹੈਸੀਅਤ ਲੋਕੋ ਨੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੋ ਫਿਰ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਰ ਹਮ ਲੋਕੋ ਨੇ ਇਨਕੇ ਲੀਏ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ ਤੋ ਆਪ ਲੋਕੋ ਸੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕੇ ਲੀਏ ਯਾ ਇਨ ਜੈਸੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕ ਆਪਕੋ ਸੋਸਾਇਟੀ ਮੇਂ ਮਿਲੇਂਗੇ ਜਿਨਕੀ ਆਪ ਖਿਦਮਤ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੁਨੀਆ ਮੇਂ ਬਲਕੇ ਆਖਰਤ ਮੇਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਮਾਲ ਕੋ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ ਔਰ ਇਨਕੀ ਖਿਦਮਤ ਸੇ ਆਪਕੇ ਮਾਲ ਮੇਂ ਆਪਕੇ ਜੋ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਯਾ ਕਿਸੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਂ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਨੇ ਵਾਲੀ। ਜੋ ਲੋਕ 150-200 ਰੁਪਏ ਸੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ ਵੋ ਆਪ ਲੋਕੋਂ ਕੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਖਿਦਮਤ ਸੇ ਵੀ ਉਨਕਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਸਕਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮਾਂ ਜੀ ਇਹ ਬਤਾਏ ਕਿ ਇਸਕੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੇ ਕਾਮ ਹੈ, ਚਾਏ ਹੈ ਜੋ ਬਰਫ਼ ਕਾ ਕਾਮ ਆਪ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਇਸਕੇ ਇਲਾਵਾ ਘਰ ਮੇਂ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੇ ਕਾਮ ਕਰ ਸਕਤੀ ਹੈ, ਤੋ ਕਿਆ ਕਭੀ ਆਪਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸਕੋ ਛੋੜ ਕੇ ਉਸ ਤਰਫ ਚਲੀ ਜਾਊਂ? ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰ ਖਾਨੀ ਆ, ਕਲਾਲ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਨੀ ਆ। ਪੁੱਤਰ ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਰਹਿਣ ਗੱਲਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਪਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਿਹੜੀ ਇਮਦਾਦ ਕੀਤੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ 12,000 ਰੁਪਈਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਪੈਸੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਸੀ? ਪੀਣ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਰੋਟੀ ਬਾਰੂ ਲੈ ਆਂਦੀ ਤੇ ਖਾ ਲੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਮੇਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਓ ਕਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਆ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕੋਂ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਓ ਕਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਆ ਹੈ। ਤੋ ਹਮਾਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੇ ਵੀ ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਸੀਅਤ ਲੋਕੋਂ ਸੇ ਵੀ ਕਿ ਇਨ ਲੋਕੋਂ ਕੇ ਲੀਏ ਨਿਕਲੇ, ਇਨਕੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੇਂ। ਮਜ਼ੀਦ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕੇ ਲੀਏ ਹਮਾਰੇ ਚੈਨਲ ਕੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੇਂ ਔਰ ਸਾਥ ਲਗੇ ਬੈਲ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੋ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾ ਦੇ। ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।